पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। इंट्रोडक्शन आप सभी मेहमानों का यहाँ पर करवाना चाहेंगे। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोपहर सामना के संपादक रह चुके हैं, मुंबई विश्वविद्यालय से कॉमर्स ग्रेजुएट भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मुकेश नायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुछ देर बाद ये भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। प्रोफेसर देवराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी आप हैं, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पर रिसर्च आप कर चुके हैं, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर अपनी राय आप रखते हैं। इसके अलावा जावेद अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता में 2 दशक का लंबा अनुभव आपको है, पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप टीवी डिबेट्स में अपना पक्ष रखते हैं। हमारे साथ अवनीजेश जी भी मौजूद हैं, आप संघ विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आप हैं, मीडिया में संघ का पक्ष आप रखते हैं। साथ ही एक और खास मेहमान है, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार में खेल सलाहकार रह चुके हैं, IIM कोलकाता से मैनेजमेंट की पढ़ाई आपने यहाँ पर की, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से मुकेश नायक जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी हम आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। बार बार नहीं, कई बार ये कहा गया है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, धर्म से सियासत को नहीं जोड़ा जा सकता, सियासत को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन इस मुद्दे पर बहस इसलिए हो जाती है क्योंकि जब बात सड़क की आती है और संसद की आती है या तो एक ही चेहरा हो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष संसद में कुछ और कह देते हैं और उसके बाद संसद से बाहर कुछ और कह देते हैं। आपको लगता है कि पूरा देश जब यह देखता है तो ना चाहते हुए भी समझ जाता है कि सियासत में धर्म का इस्तेमाल हो ही जाता है? सियासत में धर्म का इस्तेमाल योजनाबद्ध तरीके से करने की का अभ्यास कांग्रेस का रहा है और 1947 के बाद से कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय के मतों प्लस हिंदुओं के कुछ जातियों को विभाजित करके उनके आधार पर अपना वोट बैंक बनाकर चुनाव जीतने का उनका अपना एक जो है तरीका रहा है। 2009 में आदरणीय प्रधानमंत्री तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह तक कह दिया कि प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय का है। कालांतर में आपने देखा कि एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई और उसने 2014 की पराजय के लिए कांग्रेस की धर्मांधता को प्रश्न देने की आदत को माना। उसके दौरान भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी यही है जो कहा करते थे कि मंदिरों में वही लोग जाते हैं जो लड़कियाँ छेड़ते हैं, लेकिन जब उनके ध्यान में आ गया कि बिना मंदिरों में गए हमारा बेड़ा पार नहीं होगा तो गुजरात में मंदिर में जाने लगे। फिर अचानक उनको ध्यान आया कि नहीं यार इससे तो कोई काम नहीं बना, तो मुस्लिम पार्टी हो गए। फिर उनको पता लगा इसका भी डैमेज हो गया कि पुरुषवादी मुस्लिम पार्टी होने के कारण हमारे खिलाफ जो है एक माहौल खड़ा हो रहा है, तो कहा नहीं नहीं हम मुसलमानों की पार्टी नहीं है। फिर कल जो है वो हिंदू बनने पर आमादा और हिंदू बने चलिए ठीक है, ये उनका बताना बहुत जबरदस्त है। उन्होंने ठीक है, आपको लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से धर्म का इस्तेमाल यहाँ पर हो ही जाता है? अवनीजेश अवस्थी जी आपसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, देखिए धर्म अपने आप में एक आस्था का विषय है, हिंदू मुस्लिम ये देश सभी का है, हर धर्म का ये देश हम लगातार कहते हुए आए हैं, ये बहस धर्म पर नहीं है, लेकिन अगर धर्म का इस्तेमाल अगर कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए करेगा तो बहस उस पर होनी लाजमी हो जाती है। आपको लगता है कि आप अपना एक स्टैंड रखिए, ये दोगला चेहरा ये दोहरी रणनीति यहाँ पर देश की जनता बखूबी समझती है, संसद में कोई और राग अलापना, बाहर जाकर कोई और राग अलापना, निजी अखबार के सामने कोई और राग अलापना, ये सब नहीं चलने वाला सियासत में, सियासत में चल सकता है, जनता के सामने नहीं चलने वाला। सबीना जी एक बात बड़ी साफ से मैं कहता हूं कि शायद किसी 50 के 60 के 70 के दशक तक 80 के दशक तक शायद चल भी जाता था, अभी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिसमें आदमी तत्काल देखता है, अभी ये भी नहीं कह सकते कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया, अब इसकी गुंजाइश न के बराबर है। कल जो संसद में लोगों ने देखा है कि आप गले लगने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं और फिर आँख भी मारते हैं कि भाई देखो मैंने क्या ड्रामा किया, ये ड्रामा सिर्फ उस एक घटना का नहीं है, ये पूरे ये ड्रामेबाजी या ये कि कैसे मैं बेवकूफ बना सकता हूँ, कैसे मैं ड्रामा कर सकता हूँ, ये पूरे कांग्रेस के चरित्र में है। और धर्म की राजनीति बुरी नहीं है, मजहब की राजनीति है, आप संप्रदायों में बांटो यहाँ की जनता को, जातियों में बांटो, कभी पटेल कभी गुजर कभी जाट कभी कुछ और, कर्नाटक में लिंगायत हो गया, 2 महीने पहले लिंगायत आ गया, अभी उनकी है अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। सवाल यह है कि देश की जनता को यह सोचना है कि किसी को एक व्यक्ति को नेता बना देने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर देश में बिजली पहुंच रही है तो वो संप्रदाय के हिसाब से नहीं पहुंच रही, सड़क बन रही है तो वो संप्रदाय के हिसाब से नहीं पहुंच रही, ये ज्यादा जरूरी है जो पिछले 4 साल में सरकार ने किया है।
प्रोफेसर देवराज सिंह, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे। देखिए, राजनीति को समझता है हर कोई, और खासतौर से जैसा कि अवनीजेश अवस्थी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जो जमाना है ना, वो पहले वाला नहीं रहा है। पहले ये स्टैंड फिर भी हो सकता है चलता रहा हो या चलता था, लेकिन आज एक बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। जनता को एक स्टैंड चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी अदर पार्टीज हो। आप क्या सोचते हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो आपकी आस्था को लेकर हो, हर मूवमेंट पर, हर कदम पर आप अपना स्टैंड बदलते रहेंगे तो फिर देश की जनता आपको नकार देगी, जिसकी उम्मीद लगातार अब कांग्रेस यहां पर सोच रही है कि हमें सत्ता में आना है किसी तरह से। ऐसे किस तरह से वो अपनी सियासत चमका पाएंगे? देखिए, पिछले कुछ सालों से कुछ समीकरण बदल रहे राजनीतिक। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, मुस्लिम कम्युनिटी सावधान होती है कि उसका कितना विकास हुआ, क्या हुआ, उसका जो असर पड़ा आगे वाले जो चुनाव हुए, वो जनाधार कांग्रेस का छटक गया वहाँ से, और मुस्लिम वोट अदर रीजनल पार्टी में गया। उसके बाद अभी क्या चल रहा है कि भारतीय राजनीति में जो वोट बैंक थे, कांग्रेस का वोट बैंक था, बीजेपी का अलग था, बीएसपी का अलग था, और पार्टियों के अलग थे, लेकिन उन पार्टियों के अब कंपटीशन अपनी अपनी बेस पर तो चुनाव जीत नहीं सकते, पूरी तरह से पावर में नहीं आ सकते, तो उन सभी ने अब दूसरी जो आधार थे दूसरी पार्टियों के, उनमें अपनी सेंध लगाना स्टार्ट कर दिया। इसी कड़ी में बीएसपी ने कोशिश की सवर्ण वोट लेने की, और उसने कुछ वोट लिए और उसने सरकार बनाई 2007 में। उसी तरह से बीजेपी ने ये कोशिश मजबूती से रखी, 2014 के चुनाव में उसका रिजल्ट निकल के आया, और वो उसकी पहुंच दलित और जो पहले जहां नहीं थी पहुंच, वहां तक वो पहुंच गए। तो बीएसपी ने कोशिश की कि वो सवर्ण वोट ले जाए, और बीजेपी कोशिश कर रही, क्योंकि मेजोरिटी किसकी है, 80% वोट है ओबीसी है, एससी एसटी है, और ये जो वोट बैंक है बेस, तो उसको पकड़ने की कोशिश की है। चलिए, आप ये मानते हैं कि हर पार्टी यहाँ पर वोट बैंक को अपनी मजबूत करने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन स्टैंड एक ही होना चाहिए? नहीं, स्टैंड नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्टेम्परेरी इश्यू में हर पार्टी का पर्पज होता है कि चुनाव जीतना है एट एनी कॉस्ट, वो किसी भी तरह से गड़त फिट करेगी, तो पार्टी को ये नहीं है कि उसी पर डटी रहेगी कोई भी पार्टी। पार्टी का मेन पर्पज होता है किसी भी पार्टी या किसी भी कंट्री में वो पावर में आना, चुनाव जीतना। तो चुनाव हम कैसे जीत सकते हैं, वो सारे आंकड़े यहां पर। चलिए ठीक है, जावेद अंसारी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे और मैं बेहतर तरीके से यहां पर, जैसे मेरे बाकी मेहमानों ने बताया। देखिए सर, वोट बैंक तो कोई भी नहीं खोना चाहता, जो है वो बना रहे, जो बाकियों का है वो अपने खेमे में आए और वो मजबूती हमें मिले। हम कह रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, सियासत है, सियासत में वोट बैंक का अपना एक अलग महत्व है। धर्म और जाति को लेकर किस तरह से वोट बैंक मजबूत किया जाता रहा है, ये भी पूरे देश ने देखा है और बखूबी जानती भी है। हम यहां पर ये कह रहे हैं, संसद में कोई और स्टैंड, बाहर कोई और स्टैंड, जुबान से कुछ और निकले, अचानक से बदल जाए, ये जो बदलाव है ना, वो आपके व्यक्तित्व में तो नजर आ सकता है, लेकिन अगर सोच में पल पल में आएगा तो कैसे जनता इसे एक्सेप्ट करेगी? हाँ, जनता किसी के भी बदलाव को नहीं एक्सेप्ट करेगी, लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी के ही नहीं केस में, और सबके केस में होना चाहिए। बिल्कुल, और आप जो कह रही हैं इसमें जरा विरोधाभास है। राहुल गांधी का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, इसमें कहां शक है, जब जाहिर है वो हिंदू हैं, राहुल गांधी को कौन और मानता है, राहुल गांधी हिंदू हैं, लेकिन क्या इसमें कोई हिंदू मुसलमानों को या और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ने में सक्षम नहीं है? जावेद अंसारी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि पहले बात सुनिए, पल पल में स्टैंड नहीं बदलना चाहिए ना। आप मेरी बात सुनिए पहले, आपने नहीं पल, हाँ आप, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। हाँ। पल पल में, एक तो उन्होंने कहीं ये नहीं कहा, जितने लोग उस मीटिंग में थे मैंने एक एक करके लोगों से पूछा, किसी से उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मुसलमान, कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं। और पल पल में स्टैंड तो वो बदलते हैं जो कहते हैं कि हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का नेतृत्व करेंगे, फिर शमशान और कब्रिस्तान, ईद और बकरीद, इसके बीच में जब डिस्टिंक्शन करेंगे तो वो भी है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ करे तो पुण्य, दूसरा करे तो पाप। सर क्या जरूरत थी अच्छा हिंदू राग अलापने की फिर जावेद अंसारी जी, या जरूरत क्या थी आपको मोदी सरकार पर वार करना था, आप फैक्ट्स लाकर आप तमाम करते, क्या ये हम डैमेज कंट्रोल के तौर पर हम देखें तो क्यों ना देखें? उन्होंने ये कहा कि आपने मुझे सिखाया हिंदू बनने का मतलब कि सबको इंक्लूड करके, इसमें क्या बुराई कही थी उन्होंने? प्रेम शुक्ला जी, क्या बुराई की है यहाँ पर जावेद अंसारी जी कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है भाई? अगर कोई पल पल में स्टैंड बदल रहा है, हमारा सवाल साफ है, पल पल में स्टैंड मत बदलिए, देश देख रहा है। बहुत 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 आदर पूर्वक मैं जावेद अंसारी जी से कहना चाहता हूँ, जावेद अंसारी जी बहुत आदर पूर्वक कहना चाहता हूँ, ठीक है आपको कांग्रेस के प्रति आपके मन में सहानुभूति हो सकती है, होनी चाहिए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन आपके प्रति बुद्धिजीवियों को भी मुस्लिम बुद्धिजीवी, हिंदू बुद्धिजीवी, ईसाई बुद्धिजीवी, नहीं ठीक है धन्यवाद, लेकिन देखिए बुद्धिजीवियों को भी जब आप कैटेगराइज करें, आप ये बताइए हिंदू बुद्धिजीवी, मुस्लिम बुद्धिजीवी, ईसाई बुद्धिजीवी, जब दलित, सुन लीजिए मेरी बात, फिर आप पूछिए। अच्छा ये आप, ये आपके इंद्रेश, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये इंद्रेश कुमार जी आपके जावेद जी, आप थोड़ा आतुर हो रहे हैं आराम से, ये इंद्रेश कुमार जी आराम से, आराम से, इंद्रेश कुमार जी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इंद्रेश कुमार जी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है और कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं और उदाहरण देता हूं, उसकी तरफ से मुस्लिम बुद्धिजीवी, हिंदू बुद्धिजीवी, ईसाई बुद्धिजीवी, कल कल जो है हिंदू हिंदू पत्रकार, मुस्लिम पत्रकार, ईसाई पत्रकार, जैन पत्रकार, ऐसा वर्गीकरण करेंगे तो कैसे चलेगा। अच्छा दूसरी बात, और नदीम जावेद वो तो उन्हीं की पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और नदीम जावेद ये कहते हैं हाँ राहुल गांधी ने कहा था कि हम मुस्लिम पार्टी हैं, ठीक है, उनसे आदरणीय मोदी जी ने पूछा आप मुस्लिम पार्टी हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मुस्लिम पार्टी होना कोई आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन मुस्लिम पार्टी में क्या आप पुरुष मुस्लिमों की पार्टी है कि महिलाओं का भी मुद्दा आप उठाएंगे, और महिलाओं में निकाह हलाला के मुद्दे पे आपका क्या स्टैंड है, आप तलाक के विद्युत पे आपका क्या स्टैंड है, तो वो स्टैंड भी क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है कि लैंगिक वैषम्य जो किसी भी समाज में, हिंदू समाज में भी कोई लैंगिक वैषम्य हो, उस पर हर राजनीतिक दल को अपनी राय रखने का और खुलकर उस लैंगिक वैषम्य को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जावेद अंसारी जी, मैं आपके पास यहाँ पर जरूर आऊंगी, लेकिन जैसे ही मुस्लिम बात आ जाएगी, आपने जावेद अंसारी जी को यहाँ पर सुना, ये होता है, देखिए इस पर हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप खुद को हिंदू कहिए, मुस्लिम कहिए, किसी की भी पार्टी कहिए, ये निजी राय है, निजी हक है, कह सकते हैं, इसका पूरा अधिकार सामने है। हम बस इतना कह रहे हैं कि संसद में हिंदू राग अलापने की क्या वाकई जरूरत थी, क्या ये भरपाई है जो बाहर इन दिनों चलता रहा कि कांग्रेस मुस्लिम की पार्टी है। हम तो इसे इस लिहाज से देख रहे हैं कि बदलाव करिए, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन धर्म के नाम पर देश की जनता ये जरूर जानना चाहती है कि आपका स्टैंड है कहां पर, पल पल कैसे बदल सकता है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ सबीना जी कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस जिस प्रकार से, उसको एक रिपोर्ट आती है कि आप इस वजह से हारे तो उधर, वहाँ से हारे तो इधर, मतलब सिर्फ सत्ता के लिए, आपका अपना कोई कमिटमेंट नहीं है किसी भी संप्रदाय के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति, या बिल्कुल अगर आप वाकई कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो क्या कहने की ज़रूरत है। बाकी पार्टियां होती होंगी धर्मांध हैं, मान लिया सारी पार्टियां धर्मांध, आप तो धर्मनिरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष ताकतों की आप तो अगुवाई करने का पहरुआ है, आप तो धर्मनिरपेक्षता के, आपको क्या जरूरत है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायर जी भी जुड़ गए हैं। छोटी सी बात कहूंगा कि जावेद अंसारी जी ने तो पूछ लिया एक एक से, कांग्रेस ने आज तक उसका खंडन नहीं किया। नहीं ठीक है, मुकेश नायक जी अभी जिनको आप सुन रहे थे, अवनिजेश अवस्थी जी को आप सुन रहे थे, कांग्रेस का क्या स्टैंड क्लियर नहीं है कि हमें कौन सा राग यहाँ पर अलापना है। हाँ मैं उनको सुन रहा था, हाँ मैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुन भी रहा था, हाँ। और उनको समझ भी रहा था और समझता भी हूँ। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमें ये यहाँ बैठ के धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे भैया, उन्होंने हमारी धर्मनिरपेक्षता, हमने तो शिव भक्ति सिखाई है, हमने धर्मनिरपेक्षता नहीं सिखाई, हमने तो, अरे आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि हमसे शिव भक्ति सीखी, हमने तो शिव भक्ति सिखाई है, अब आंख मारना किसने सिखाया ये मैं जानना चाहता हूं। सुन ले भाई साहब, शिव भक्ति का तो हमें मिल गया सर्टिफिकेट कि शिव भक्ति तो हमसे सीखी, अब ये आंख मारना किसने सिखाया ये नहीं बताया उन्होंने। आप थोड़ा सुन ले, नहीं नहीं मैंने आपको कहा, बोलिए मुकेश नायक, बोलिए मुकेश नायक जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपके अध्यक्ष जी ने कहा हमसे अपना वोट बैंक मजबूत करती है, किसी के लेकिन कल अविश्वास प्रस्ताव था, तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, बखूबी उन्होंने अपनी बात को सामने रखा, हालांकि जो बाद में कुछ हुआ वो जरूर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को भी गलत लगा, जो आंख मारने वाली बात सामने आई वो चलिए एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर भी खूब चर्चा हुई है, आगे जरूर करेंगे। हम बस ये कह रहे हैं कि हिंदू राग अलापने की जरूरत क्या थी। मैं कृपा करके मुझे बोलने दीजिए, बिल्कुल बोलने बोल लेते हैं आपको। और फिर दूसरा बोलता है तो उसकी विचार श्रृंखला को तोड़ देते हैं, ये नहीं ये सिखाया गया है, इसी उद्देश्य से ये भेजे जाते हैं स्टूडियो में, ये अब, कह रहे अब वहां बैठकर इल्जाम मत लगाइए, कल पूरा मौका मिला था आप लोगों को और खुलकर आप लोगों ने सरकार पर इल्जाम लगाया, अब कम से कम हम लोगों पर मत लगाइए, बोलिए बोलिए अपनी बात बोलिए मुकेश नायक जी, कम टू द पॉइंट, अब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं कर रही है, भूकंप आ गया था कल, बोलिए बोलिए मुकेश नायक जी, आप बोलने दें तब ना बोलूं, तो आप बोल, आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं तो इसलिए कह रही हूं, सेंटेंस को मेरे कुछ ना कुछ कह के अगर काट देंगे
मुझे अधिकार है, मैं डिबेट में बैठा हूँ, कोई चीज़ सर मुझे भी अधिकार है कि अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि मैं अपने अतिथियों को क्यों बुलाती हूँ तो ये गलत है, बस मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ ना, सम्मानजनक तरीके से कह रही हूँ, गुस्सा होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये मैंने कहाँ कहा अभी आपसे बताइए, ये मैंने कहा क्या आपसे? बोलिए सर, बोलिए आप, बस मुझे बता दीजिए कहीं बात का अर्थ। अच्छा ठीक है, मुद्दे पर आते हैं सर, मुकेश नायक जी मुद्दे पर आते हैं, बोलिए। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आंख मारना किसने सिखाया? मैं इनसे विनम्रता पूर्वक ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी की आंख मारने से आपका शील भंग क्यों हो गया, आपको क्या परेशानी हो गई? दूसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, भारत में प्रेम, दया, करुणा, उदारता और सहिष्णुता एक हिंदू धर्म की मूल आत्मा है, और राहुल गांधी ने जो लोकसभा में बयान दिया है उसका आशय सिर्फ उस सहिष्णुता, उदारता और प्रेम से है। उनका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई अपना धर्म बदल लिया है या कोई धर्म निरपेक्षता उन्होंने छोड़ दी है या कोई पंथ बदल लिया है। ये किस तरह क्या, जब जब किसी देश में किसी काल, समय और परिस्थिति में भाषा शब्द अपना अर्थ खो देते हैं और इन जैसे बुद्धिजीवी जब उसका अनर्थ करने लगते हैं उसका आशय समझे बगैर, तो वो देश का सबसे बड़ा पराभव काल माना जाता है, सबसे ज्यादा अवमूल्यन का समय माना जाता है राजनीति का। मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि जो हिंदू है वो तो हिंदू ही रहेगा, अब बार बार उससे आप क्यों पूछते हैं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? यही तो नहीं पूछा था। चलिए मुकेश नायक जी, आपने अपनी पूरी बात कह दी, नहीं किसी ने नहीं रोका, मैं आऊंगी दोबारा से आपके पास, दोबारा से पूरी बात सुनेंगे मुकेश नायक। एक सेंटेंस और बोलना चाहता हूं, ठीक है कंप्लीट करिए, एक सेंटेंस और बोलना चाहता हूं, बोलिए जी जी, बोलिए बोलिए। हम धर्म निरपेक्ष भी हैं और हम धर्म सापेक्ष भी हैं। सर ये मैं तो ये कह रही हूँ कि ये देश की जनता को बताने की भी जरूरत नहीं है, देश की जनता सारी पार्टियों को बखूबी समझती है, अभी इन्होंने हर नेता अभी, को समझती अभी एक है। बताया कि आपको क्या दिक्कत हुई? प्रोफेसर देवराज से मैं जान लेती हूँ थोड़ा सा ना। नहीं मुकेश जी को थोड़ा जवाब दे दीजिए, आपसे कृपा करके शील भंग जैसी स्थिति, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, शील भंग मैं जवाब दे सकता हूं आपकी भाषा में भी, लेकिन संसद के अंदर बैठ करके इस तरीके की हरकतें करना आपको बड़ा अच्छा लग सकता है, आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं आप किसी भी किसी कारण से, लेकिन देश की जनता ने जो कल देखा उसकी क्या प्रतिक्रिया उसका आपको अंदाजा नहीं है। प्रोफेसर देवराज सिंह, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक है, कौन सी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर आपको फिलहाल भारी नजर आ रहा है? जनता जो तय करेगी वो 2019 के नतीजे सामने आ जाएंगे कि किसको जनता विश्वास करती है, किसे सत्ता पर बैठाती है, लेकिन फिलहाल आप हमारे पैनल को सुन रहे हैं, क्या वाकई जो राहुल गांधी ने कल जो बात यहाँ पर कही धर्म को लेकर, हिंदू को लेकर, जो भी है, जो भी उन्होंने अपनी भावनाएं सामने रखी, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? संसद में ये रखना जरूरी था, मैं ये नहीं कह रही उचित था या अनुचित था, जरूरी था। देखिए ये जरूरी है, राहुल गांधी जी ने जो रखा है वो विचार रखना जरूरी है, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए थे 18 में, गुजरात के चुनाव हुए और कर्नाटक का चुनाव हुआ, ये जो पार्टियां जो धर्म निरपेक्षता की बात करती थी वो वर्ल्ड गायब हो गया है, सेकुलर वर्ल्ड जो अलाइन बनते थे, तो अब वो चीज स्थिति आ गई थी, मंदिर मस्जिद जाना, मंदिरों में जो जाना, कांग्रेस उस तरह से पहले नहीं करती थी, उस तरह से जो पहली बार जिस तरह से गुजरात के चुनाव में हुआ और उधर कर्नाटक के चुनाव में हुआ, तो अब क्योंकि वहां पर वोट परसेंटेज देखा जाएगा, माइनॉरिटी का कितना वोट परसेंट है गुजरात में कितना, इसलिए वहां ये करने से फायदा नहीं हो सकता है, मुस्लिम कार्ड खेलने से वो फायदा नहीं हो सकता है। आप इसे फायदे और नुकसान से जोड़कर देख रहे हैं, जावेद अंसारी जी, फायदे नुकसान से जोड़कर देखने के लिए तो अविश्वास प्रस्ताव होता नहीं है, ये तो इसलिए होता है ना कि भाई अगर आपको लगता है कि सरकार अपना काम बखूबी नहीं कर रही तो आप वो तमाम खामियां गिना सकते हैं, हक है विपक्ष के पास वो तमाम खामियां गिराने की, डैमेज कंट्रोल करने की तो जगहें और भी बहुत होती हैं। देखिए एक परफेक्ट वर्ल्ड में जो आप बात कह रही हैं वो सही है, लेकिन चुनाव सिर्फ चंद महीने दूर हैं, इसलिए ये उम्मीद रखना कि दोनों की कोई भी पार्टी राजनीतिक बातें नहीं करेगी ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। शुक्ला जी ने एक मेरा, क्योंकि मेरा नाम लिया था इसलिए मुझे उनका जवाब देना चाहता हूं मैं, मेरी सहानुभूति किसी पार्टी से नहीं है, मेरी सहानुभूति सबसे पहले अपने मुल्क से है, उसके बाद अपने प्रोफेशन से, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं जो समझता हूं सही या गलत उस हिसाब से मैं बोलता हूं, तो इसलिए शुक्ला जी मेरे कोई मोटिव्स मत अट्रैक्ट कीजिए, हो सकता है आपको हमारी बात से आप सहमत ना हो, मैं आपकी उस राय से इज्जत करता हूं, लेकिन यू कांट टेक
यू कांट टेक अवे द राइट। आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम एन इंडियन, माय फर्स्ट लॉयल्टी इज टू माय कंट्री। बिल्कुल सर, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि हम जो भी तस्वीर देखेंगे उसको बिल्कुल बैलेंस कर यहाँ पर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी सिर्फ एक ही पार्टी वो राजनीति करती है और दूसरी पार्टी बस देखती है और वो बहुत ही एक ऐसी राह पर चल रही है जहाँ सवाल नहीं उठाए जा सकते। बात सिर्फ इतना है, स्टैंड एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो मुद्दा है ना, बस इतना है। आप कोई भी, हर पार्टी आजाद है ना इसके लिए, तो अपना वोट बैंक मजबूत करे। मैं जाती हूँ मुकेश नायक जी, क्योंकि थोड़ी देरी से यहाँ पर जुड़े थे हमारे साथ में। मुकेश नायक जी, वोट बैंक मजबूत करने का हक हर किसी को है, लेकिन क्या नुकसान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा था राहुल गांधी के उस निजी बयान के बाद, जब मुस्लिमों की पार्टी गई थी, कांग्रेस ने खंडन किया था। हम बार बार लगातार ये कहते भी आए हैं, वो खबर भी हमने चलाई थी कि भाई हाँ, आपकी पार्टी की तरफ से खंडन कर दिया गया है, लेकिन भरपाई करनी भी तो बहुत जरूरी थी। क्या वही भरपाई थी कल? जी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है ना, हमने कभी ये कहा कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ना हमने ये कहा कि हमारी पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। हमारी पार्टी हिंदुस्तान में रहने वाले समावेशी समाज और जो भारत की समृद्ध विविधता है, भारत के प्रति जो सर्वस्पर्शी दृष्टिकोण है और पूरे देश को अपना कुटुंब अपना परिवार मानने की जो दृष्टि है, केवल वो हमारा धर्म और राजनीति में वो हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए तो हमसे कहा जाता है कि आप बताइए कि आप कहाँ खड़े हैं, आप हिंदू के साथ खड़े हैं या मुसलमान के साथ खड़े हैं, आपका क्या स्टैंड है। ये पूछने का आशय ही ये होता है लोगों का कि आप बताइए कि आप कहाँ खड़े हैं। अरे भाई, हम समतामूलक भारत में विश्वास रखते हैं, इतनी भिन्नता इस देश में है, इतनी समृद्ध विविधता इस देश में है, हम अगर एक सी दृष्टि से सबको देखते हैं तो हम कहीं नहीं है। ये कैसा चिंतन है और ये कैसा विश्लेषण है और हमारे जीवन दृष्टि की, विजन की ये कैसी व्याख्या है, समझ के परे है। समझ के परे है। बात मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। मैंने जो शीन शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ सौम्यता से है, सौम्यता से। मैं इसलिए कह रहा हूँ मुकेश जी, आप चूंकि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन किया है, और मैं सभी लोगों से, पैनल में जितने भी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का जवाब दें कि कुछ लोग अभी भी कुछ सिर्फ रंगरेज डाई बनाने वाले क्यों रह गए थे, जबकि इस बार आईएएस आईपीएस में अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के इतने आगे आए। सिर्फ टिकट दे देने से, संसद में 10 लोगों को बैठा देने से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भला नहीं हुआ इतने सालों में। सुरक्षित सीटों पर कुछ लोग आ गए, लेकिन दलित समुदाय की वास्तविक स्थिति क्या है, इसका आकलन करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है कि कहां तक वो पहुंचे हैं। ये वास्तविक है। आप इस्तेमाल करना धर्म का, ये सबसे खतरनाक है कि आप इस्तेमाल करो। देखो, दो लोगों को बैठा लिया कि आपको कह दिया अब आप अपनी जाति को संभाल लो, इतने वोट चाहिए हमको। ये भारतीय राजनीति में पिछले 70 सालों में जिस तरीके से संप्रदायों का, जातियों का, वर्गों का इस्तेमाल किया गया, ये खतरनाक रहा। और इसके कारण ये है कि लगातार इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। जिसके पास विकास की धारा पहुंची, उसको मालूम है। जिसके घर अगर गैस पहुंची है तो पहुंची है, जिसके घर बिजली पहुंची है तो पहुंची है, कोई झूठ नहीं है कोई। प्रोफेसर देवराज, क्या सच है क्या झूठ है, इसका फैसला देखिए जनता करेगी, और जनता जब करती है तो नतीजे से करती है, वो जुबानी तौर पर नहीं करती। मैं अभी भी कहती हूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी का नाम ना लूं, लेकिन हर पार्टी जुबानी तौर पर जनता को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन जनता उसी को मत देती है जिस पर उसको विश्वास होता है, जिस पर लगता है कि भाई कुछ करेंगे। लेकिन धर्म, हम धर्म को क्यों बार बार सामने ले आते हैं? क्या वाकई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप मुस्लिम की पार्टी हो या हिंदू की पार्टी हो, या फिर हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो एक सियासी तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करी वो खुद उस पर फंसी? क्या आप इस पूरी परिस्थितियों को देखते हैं? देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि हर पार्टी का अपना अपना कुछ ना कुछ सामाजिक आधार है, सोशल बेस है। कांग्रेस का जो बेस था वो उसके पास से खिसकता रहा। अगर हम शुरुआत से देखें, 1970 के दशक से देखें, तो जो ओबीसी का वोट बैंक था, जो किसान का वोट बैंक था, वो स्टेटों में जो गवर्नमेंट बनी थी वो निकल गए। उसके बाद माननीय काशीराम और जो बीएसपी का संभालने की कोशिश थी संसद में, दलित वोट बैंक निकला। उसी तरह से फिर बहुत सारे वोट जो आधार थे वो निकल गए। मैं छोटा सा बस ये समझना चाहती हूँ, कल संसद में जिस तरह से कहा गया, क्या वो उसी का हिस्सा है? मैं बस ये कह रही हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिक्स रिलीजन में अपना फेथ, अपने वोटों को, हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश। जावेद अंसारी जी, जी
जी सवाल क्या है? हाँ जी जावेद अंसारी जी, देखिए हम लगातार, आप तो खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं इसलिए मेरे ख्याल से और बखूबी यहाँ पर समझ भी पाएंगे और हमें समझा भी पाएंगे। वोट बैंक हर पार्टी मजबूत करती है, चाहे कह दे कि हाँ भाई हम तो जाति के नाम पर सिर्फ आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए सब हकीकत यह है कि हर कोई वोट बैंक मजबूत करना चाहता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, हमने सब देखा, आरक्षण के नाम पर भी खूब देखा है, कोई गुरेज नहीं है, आप अपनी सियासत चमकाइए। पर जैसा कि यहाँ पर प्रोफेसर देवराज सिंह कह रहे हैं, जो राहुल गांधी ने बोला हिंदू राग अलापा वो वोट बैंक मजबूती का था, डैमेज कंट्रोल का था। ये प्रोफेसर साहब का व्यू हो सकता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, आई मे नॉट नेसेसरली अग्री विथ इट, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ, ये स्वतंत्र हैं अपनी सोच रखने के लिए, मैं इस बात से नहीं सहमत हूँ। उन्होंने मेरा यह मानना है, जहाँ जो भी थोड़ी बहुत मेरी समझ है, कि उन्होंने इस संदर्भ में नहीं कहा था। जहाँ तक लार्जर इशू है वसूल की बात है, हाँ किसी को भी रिलीजन का या कास्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसमें सिर्फ राहुल गांधी इस बात के लिए नहीं गुनहगार हैं, इसमें ज़्यादातर पार्टियाँ गुनहगार हैं। प्रेम शुक्ला जी, सारी पार्टियां क्या इसमें गुनाहगार है? क्योंकि देखिए जब बयान सामने आते हैं, जब धर्म के नाम पर सियासत होती है, तो हर पार्टी, देखिए डैमेज कंट्रोल करना भी पार्टी का काम है, लेकिन दिक्कत यही आती है कि डैमेज कंट्रोल ये बोलकर नहीं किया जाता कि नहीं भाई मैंने तो पहले ये बोल दिया इसलिए अब मैं जाकर ये डैमेज कंट्रोल कर रहा हूं, अच्छा मैंने ये बोल दिया इसमें तो खूब मेरी किरकिरी हुई है, अब मैं यू टर्न लेने जा रहा हूं, अब मेरे इस बयान को, सबको नकार दिया जाता है। आपको लगता है ये ट्रेंड यहां पर बंद करना होगा किसी भी पार्टी के लिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो? देखिए देखिए इस देश में जो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सबसे अधिक समय तक जो नेतृत्व करता रहा है वो कांग्रेस करती रही है। और मुझे जहाँ तक जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जो देखा है कि कांग्रेस ने ही जातियों की राजनीति शुरू की, कांग्रेस ने ही पंथ की राजनीति शुरू की। हम लोग पढ़ते थे भाई उत्तर प्रदेश जो हिंदी हार्टलैंड है, उस हिंदी हार्टलैंड में जो है कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ती थी, भाई मुसलमान हमारा वोट बैंक है, ब्राह्मण हमारा वोट बैंक है, दलित हमारा वोट बैंक है, शेष हमारे वोट बैंक नहीं। कालांतर में चौधरी चरण सिंह अजगर लेकर आए, अहिर जाट, गुजर, राजपूत। तो ये जो जातियों की राजनीति की जो केंद्र बिंदु है वो कांग्रेस पार्टी, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता। हमारे यहाँ मुझे याद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो चुनाव लड़े थे भारतीय जनसंघ की तरफ से जौनपुर से, और जौनपुर में जब चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ एक क्षत्रिय समाज के कांग्रेस के प्रत्याशी आए और उन्होंने जो है जाति के आधार पर वोट मांगा। लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पास गए और उनसे कहा कि आप भी ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगिए। उन्होंने कहा मैं चुनाव हार जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं जाति के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा। जिन्होंने उस समय संसद का चुनाव जौनपुर से जीता था उनका नाम कोई नहीं जानता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुकेश नायक पूरी पार्टी के लिए वंदनीय है, एक विचारधारा के लिए वंदनीय है। तो कांग्रेस के पाले में गेंद इसलिए आ जाती है क्योंकि सत्ता पर जो सबसे ज्यादा राज किया है वो कांग्रेस ने किया है, मतलब देश की जनता का दिल अगर सबसे ज्यादा किसी ने जीता तो वो कांग्रेस रही, ठीक है, कोई माने या ना माने, ये वक्त ये बात अलग है कि वक्त के साथ आपका कुनबा जो है वो सिमटता चला गया, अब इस कुनबे को बढ़ाने की ये कोशिश है। पर जो बात यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। देखिए प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात और उनको साथ में कहना थी कि कांग्रेस, बीजेपी और जितने राजनीतिक दल हैं भारत में, सब जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। सब जितने राजनीतिक दल हैं उनके नेता हैं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जितने नेता हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, वो सब जातिवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस देश में जो संस्थाबद्ध जातिवाद पनपा है और आगे बढ़ा है, ये नेताओं के संकुचित और पॉलिटिकल पार्टीज के संकुचित दृष्टि के कारण जो पॉलिटिकल एक्सीलेंस खत्म हुआ है भारत में, सभी देश भर की पार्टी और देश भर के नेता और आज भी आपके इस बयान डिबेट में भाषण में हो जाता है, कहते हैं ये दूसरी पार्टी कर रही है, लेकिन खुद स्वीकार नहीं करते। बहुत मुश्किल हो जाता है। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है, सब कर रहे हैं और ये बात खुलकर देश की जनता भी जानती है। ऐसा नहीं है कि देश की जनता मूर्ख है, वो ये जानती नहीं है, बखूबी जानती है, लेकिन किसी भी नेता के लिए ये अपनी पार्टी को कह पाना बहुत मुश्किल होती है। हर पार्टी करती है, हम तो कहते भी हैं कि अपना वोट बैंक मजबूत करिए, बस बशर्ते आप जिस मकसद से कर रहे हैं उस मकसद से हटकर भलाई पर ज्यादा ध्यान दें। लेकिन
बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए ये कहना कि हाँ भाई अगर मैंने डैमेज कंट्रोल किया है तो ठीक है मैंने किया है। हाँ, जो बाहर ये बात फैल रही है कि मैं मुस्लिमों की पार्टी, हमारा हम मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ या मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसलिए आज ये बात यहाँ पर सामने रख रहे हैं। इसमें किसी और को कहना मैंने तो आपसे ये सीखा, मैंने तो आपसे ये सीखा, मैंने तो आपसे ये सीखा, हम कह रहे हैं ये घुमावदार बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब मैं जावेद अंसारी जी आपसे चाहूंगी। देखिए, हम और आप जो भी चाहें, राजनीति जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिक्स करेंगे, वो घुमा के बात करेंगे, सीधी बात करेंगे, अपने सुविधा अनुसार बात करेंगे। इसलिए इन अ परफेक्ट वर्ल्ड सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये हमें और आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि हम और आप दोनों पत्रकार हैं कि ये ऐसा होता नहीं, न राजनीति में होता है न पत्रकारिता में होता है। मुकेश जी ने आज बहुत खुल करके ये स्वीकारा है, और मैं इसलिए चाहे प्रतिपक्षी दल हो या हमारी विचारधारा से असहमत हो, लेकिन अगर उन्होंने एक अच्छी बात कही तो हम सब लोगों को उसका स्वागत भी करना चाहिए। ये शुरुआत हो कहीं से शुरुआत हुई। हमें ऐसा क्यों हो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे टावरिंग पर्सनैलिटी को रामपुर से चुनाव लड़वाने की जरूरत पड़ेगी? 1952 से शुरू हो गई थी ये बात, इसको वहीं से खत्म करना चाहिए था। जिसने नींव डाली, जिसने बीज डाले, उसको ढूंढें और उसको खत्म करें उस बात को। मुस्लिम बहुल क्षेत्र से कोई हिंदू जीते, हिंदू बहुल क्षेत्र से कोई मुस्लिम जीते, तब इस देश में वो समरसता आएगी। ये कहने से नहीं आएगी कि आप मंदिर में जाकर के, चुनाव से पहले जाकर के मंदिर में मत्था टेक आए और कहने की मैं धर्म निरपेक्ष हूं। इसका विरोध करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। मैं कहूंगा कि तमाम पत्रकार और मीडिया को भी इस बात का विरोध करना चाहिए कि कभी टोपी पहन ली, टोपी पहनने से किसी कम्युनिटी का भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, बताना तो पड़ेगा, आप देखते रहिएगा, लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है कि धर्म के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। धर्म हिस्सा बन सकता है, लेकिन इसके नाम पर किसी तरह को जनता गुमराह ना हो, यह ध्यान रखना भी पार्टी लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है। तो बताना तो पड़ेगा, मैं अब चर्चा के आखिरी चरण में हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। प्रोफेसर देवराज जी, आपसे बहुत जल्द यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्या कुछ अब आपको लगता है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो या है या नहीं है? ये जाहिर सी बात है, राहुल गांधी बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन संसद में जो कुछ भी हुआ उसे आगे के भविष्य से किस तरह से अब हम जोड़ कर देखें? देखिए, आगे के भविष्य को देखते हुए हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, बिल्कुल, और उसी कड़ी में जो आधार थे अपने अपने सब उनको सुरक्षित करना चाहते हैं और एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। उसी कड़ी में जो कोई भी, पर इससे कोई फायदा होगा क्या वाकई? नहीं, कुछ फायदा होता है, ऐसा नहीं है। उससे जो कुछ लोग हैं, जो लिबरल लोग होते हैं, तो उनमें आता है कि हाँ, लोग इस तरह से कर रहे हैं तो कुछ बदलाव जरूर आता है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, अगर कांग्रेस को ये कहने से फायदा हो जाता है, हिंदू राग अलापने से फायदा हो जाता है, तो क्या ये बीजेपी को नुकसान देगा? इसका डर बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के राजनीति में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर राजनीति नहीं की है। कांग्रेस का संकट है, उसने पहले सांप्रदायिक राजनीति की, फिर जाति राजनीति का उसमें जो चौंक मारा, और आज उनका संकट ये है कि उनके साथ जो उनका जो वोट बैंक हुआ करता था उसमें से वंचित वर्ग जिसको दलित कहते हैं वो उनसे छटक चुका है। उनके साथ ओबीसी नहीं है, उनके साथ ब्राह्मण नहीं है, उनके साथ बच गया है सिर्फ मुसलमान। तो उस मुसलमान को किसी तरह से बचाए रखने के, जो तलाक के बिद्दत जैसे मुद्दे पर लोकसभा में तलाक के बिद्दत के समर्थक के खिलाफ जो विधेयक आता है उसका समर्थन करते हैं, राज्यसभा में जाके अटका देते हैं। उनका जो है बहुत सारे जो लैंगिक वैषम्य के मुद्दे हैं उस पर उनका स्टैंड नहीं क्लियर इसलिए हो पाता है कि कहीं उनका जो समर्थक वर्ग है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए, इतना ही वक्त था, लेकिन इस कम वक्त में आप सभी खास मेहमानों ने अपनी अपनी बात यहाँ पर सामने रखी। अब देश की जनता यहाँ पर किसे समझती है और किसकी बात पर यकीन करती है, ये नतीजों से जरूर आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है, जब तक हिंदू कार्ड, मुस्लिम कार्ड और इस तरह के कार्ड धर्म के हिसाब से खेले जाते रहेंगे, तब तक इस तरह की तस्वीरें भी आएंगी और तब तक हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन मुद्दों पर बहस भी करेंगे।